तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का कोई भी अल्टरनेटर हो, कैसा हम इसको बाहर चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई कोई गाड़ी में बहुत मुश्किल से डायनामा फिक्स होता है। तो आज हम तरीका बताएंगे। ये जो तरीका है, ये टोयोटा गाड़ियों के लिए है, 96 से लेकर 2005 तक जितने भी गाड़ी है टोयोटा गाड़ी, उसका अक्सर 3 पिन का कनेक्टर आता है। ये 3 पिन का कनेक्टर है, ये 3 पिन का कनेक्टर आता है। आज हम इसको वायरिंग डायग्राम भी बताएंगे कि कैसे इसको फिक्स करते हैं। तो इसको यही तरीके से चेक किया जाता है, यही कनेक्टर से चेक किया जाता है। इसमें कोई अल्टरनेटर 4 पिन का होता है, उसका थोड़ा अलग डायग्राम है, लेकिन तरीका यही है टेस्ट करने का। तो अल्टरनेटर लगाने से पहले इसको टेस्ट करना अच्छा है, क्योंकि बाद में लगाएंगे, फिर खोलेंगे, फिर लगाएंगे, फिर खोलेंगे, तो इसको बाहर चेक करेंगे। कम से कम 80% आपको मालूम पड़ेगा कि अल्टरनेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी आप तो अंदर जो रेक्टिफायर है, इसको आपने पहले चेक किया होता है, सब सही है, लेकिन इसका जो रेगुलेटर है, रेजिस्टर है, उसको यही तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो ये अल्टरनेटर लेक्सिस LS400 का है, इसको मैंने रिपेयर किया है, इसका मैंने चेंज किया, इसका मैंने चेंज किया, ये रेक्टिफायर। तो इसका ये रेक्टिफायर शॉर्ट था, इसको ऐसा टेस्ट किया, कोई कंटिन्यू नहीं नहीं है, सही है, ये यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो इसका ये शॉर्ट है, ये रेक्टिफायर, ये शॉर्ट नहीं बताना चाहिए, ये 0.0 शॉर्ट बता रहा है, 0.42। तो इसको चेंज किया। तो इसका ये जो पिन है, इसमें टोटल 3 वायर हैं। ये जो पहला वाला है, ये पिन को ऐसे पकड़ के, ये जो पहला पॉइंट है, ये वाला पहला पॉइंट, ये लाइट के लिए है। लाइट को नेगेटिव सिग्नल जाता है अल्टरनेटर से। जो मेडल है, मेडल वाइट वायर मेडल, पिन नंबर 2, ये इग्निशन स्विच के साथ पॉजिटिव आता है। और ये जो पिन नंबर 3 है, ये ब्लू, ये बैटरी पॉजिटिव इसमें डायरेक्ट होता है। तो इसका ये 2 जो वायर है, ये 2, ये मेन होता है, और ये एक जो है लाइट के लिए सिग्नल अल्टरनेटर से निकलता है नेगेटिव सिग्नल। तो ये डायग्राम है इसका, ये मेन पॉजिटिव है, डायरेक्ट बैटरी से आता है, ये भी डायरेक्ट बैटरी से आता है, और इसका ये जो सेंटर वाला है, थर्ड वाला, ये इग्निशन स्विच का है, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3 बैटरी के साथ डायरेक्ट। अभी आते हैं इसको टेस्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई AR गन है, या ऐसा इलेक्ट्रिक कोई गन है, तो इससे आप इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी मैंने जो है इस कनेक्टर को फिक्स किया, ये लाइट ऑन हो गया, कि बैटरी का लाइट है, ऑन हो गया। इसका वायरिंग डायग्राम जो मैंने बताया, वही तरीका है। इसका एक वायर भी पॉजिटिव है, एक वायर पिन नंबर 1 पे जाता है, एक वायर भी पॉजिटिव में लगाया है, पिन नंबर 2 भी पॉजिटिव में लगाया, पिन नंबर 3 भी पॉजिटिव में लगाया। ये लाइट के लिए गया है, लाइट को ग्राउंड दे रहा है, ये लाइट के लिए गया, ये देख, ठीक है। तो इसका ये वायरिंग डायग्राम है, 3 वायर टोयोटा का अल्टरनेटर। तो इसी तरीके से 96 से लेकर 2004 तक आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं। नया मॉडल
कभी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका ग्रिप कनेक्टर अलग होता है। तो ये गन इसको घुमाएंगे, लाइट बंद हो गया। तो इस 100% तो नहीं कह सकते हैं कि ये अल्टरनेटर 100% काम करेगा, लेकिन 90% 80% आपको मालूम होता है कि अल्टरनेटर का जो फंक्शन है वो सही है। वो 100% कैसा मालूम नहीं होता है, जब आप लाइट ऑन करते हैं डायनामो का इलेक्ट्रॉनिक पावर कितना देता है, 14 देता है, 13 देता है, तो वो उससे ये तरीके से चेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी 80% आप अल्टरनेटर को यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं।